प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया उपसभापति महोदय। मिनिस्टर साहब, माननीय मंत्री जी प्लीज बैठ कर। माननीय मंत्री जी, पद की गरिमा का ध्यान। आप माननीय मनोज झा। शुक्रिया सभापति महोदय। आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था बचपन में, जब किताबों में पढ़ते थे तो राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, घोड़े के साथ चलते थे और राज एक के बाद एक के बाद एक के बाद जीतते जाते थे। वो अश्वमेध यज्ञ राजतंत्र के लिए उचित है सर, रहा होगा, हालांकि हम तो राजतंत्र के खिलाफ के लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र में किसी को अगर ये भावना आ जाए, राजा महाराजा वाली आकांक्षाएं आ जाए, तो वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। वो विस्तारवादी चरित्र जो राजतंत्र का था वो लोकतंत्र में नहीं चलता। ये मैं पहली चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ वाली चीज मैं इस बिल में देख रहा हूं। आई अपोज द बिल ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर ऑन टू ग्राउंड्स। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर विच माई लर्नेड कलीग सिंघवी साहब हैज spoken extensively, in fact decimated the very structure they were trying to propose. Second is the moral principles. अब moral principle पर तो मुझे पूछने का मन भी नहीं करता, क्योंकि एक इन्होंने school of mandate management विकसित किया है सर, जहां चुनाव जीतो वहां सरकार बनाओ, जहां हारो वहां जरूर बनाने की कोशिश करो। यह अद्भुत अद्भुत क्षण है हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, माननीय उपसभापति महोदय, मेरे कलीग। अब अचानक सर देखिए, मैं ज्यादा नहीं देखूंगा उस बिल को, देखिए कहते हैं कि सरकार का मतलब एलजी। अरे साहब, जनता ने ईवीएम में वोट डाला, एक सरकार चुनी, आपको वो सरकार अच्छी नहीं लग रही है, आपकी 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 दिक्कतें हम समझ रहे हैं, आपकी परेशानियां हैं, लेकिन जनता के विल को एक्सेप्ट करिए सर। हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं? अब पहले 281 पे थे, अब 303 आ गया है, फिर भी हमने एक्सेप्ट किया। ये डेमोक्रेसी की वॉइस है, लेकिन डेमोक्रेसी की वॉइस में ऑटोक्रेटिक एलिमेंट अगर आ जाता है तो डेमोक्रेसी का अवसान शुरू हो जाता है सर। ये मैं आपके माध्यम से माननीय उपसभापति महोदय, अब जब एलजी साहब सरकार हो गए तो दिल्ली के लोग कहेंगे बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल्ली की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आप दिल्ली की सड़कों पर चलें तो लोग प्लेकार्ड लेकर के आपका विरोध करेंगे कि हमारी चुनी हुई सरकार को इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से अपदस्थ करने का आपने काम क्यों किया। 239A, मैं समझता हूं, इसलिए मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पर नहीं बोलूंगा। बड़ी आसानी से भूपेन जी अच्छे वकील हैं, दलील काफी है कह गए, लेकिन सर 239AA उसका क्लॉज 6 अगर आप पढ़ें, उसकी आत्मा क्या कहती है, आप उसकी आत्मा को निष्प्राण कर रहे हैं, उसकी आत्मा खत्म कर रहे हैं। और मैं फिर कहूं, एक और मसला है जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को लेकर है, माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति बहुत एक मिनट लूंगा। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की पावर जो किसी असेंबली की होती है सर, ताकत पैदा करती है। फेडरल स्कीम जो सिंघवी साहब कह रहे थे, यूनिटरी फीचर था हमारा बनने के बाद कई वर्षों तक, लेकिन हम इवॉल्व किए। आप धीरे 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 करके, आप कहते हो सहकारी संघवाद, गाते हो उसका, और चरित्र में है अहंकारी संघवाद, जो कोअसिव फेडरलिज्म वो कह रहे थे। और आखिरी टिप्पणी मैं करूंगा सर, कि एक जो फेसबुक वाला मामला था, बहुत गंभीर मसला है, दिल्ली दंगों में जो अफवाह और तथ्य के बीच का पर्दा खत्म कर दिया, उसके संदर्भ में कहूंगा कि उसकी भी कहीं बू नजर आ रही है, वो खुशबू समझ सकते हैं, मैं बू मान रहा हूं। आखिरी टिप्पणी सर, तमाम उन दलों के लिए एक अपील, भाजपा के भी मित्रों के लिए, क्योंकि स्पेंगलर कह गए हैं राइज एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, आज आप अर्श पे हैं, अर्श और फर्श की यात्रा कैसे हो जाती है, इधर देख लीजिए। तो वो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि तीखा टिप्पणी आपस में न करें, पर आप सब बराबर अनुरोध माने। सर मैं आखिरी टिप्पणी करूंगा, मैं आखिरी टिप्पणी करूंगा कि अभी सोनार बांग्ला की बहुत बात हो रही है, मैं जानता हूं अध्यक्ष जी यहां हैं, सर देश के अलग अलग राज्य हैं, सोनार बिहार भी चाहता था, सोनार यूपी भी चाहता था, वहां तो कोयला भी नहीं मिला सर। एनीवे, मैं आखिरी एक कहूं उन दलों के लिए जो आज चुप बैठे हुए हैं, उन दलों के लिए जो सोच रहे हैं कि कौन सा फैसला लूं, उन दलों के लिए
जिनमें से कई दल ऐसे हैं सोचते हैं अच्छा ये अभी उसका मामला है। सर उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। धन्यवाद, शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी।